पानी यहां की सबसे बड़ी चुनौती है। बुंदेलखंड की मेरी आप सभी लोगों को पानी के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता रहा है, मुझे इसका भली भांति एहसास है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को भी इसका पूरा एहसास है और आपको पानी की समस्या से मुक्ति दिलाने के प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आज 9000 करोड़ की पाइपलाइन का शिलान्यास किया जा रहा है। बुंदेलखंड की सभी माताएं बहनें हमें भरपूर आशीर्वाद दें ताकि हम इस काम को जल्द से जल्द पूरा करके पीने का पानी आप तक पहुंचा दें। आज पानी के लिए किसी को सबसे ज्यादा घर में परेशानी होती है उन मां बहनों को होती है, उनकी पूरी शक्ति पानी के पीछे लग जाती है। आप मां बहनें, मैं आपका कर्ज चुकाने आया हूं, आपको इस संकट से मुक्ति दिलाने आया हूं। आप हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम पाइपलाइन से पानी पहुंचा सके। मैं तो कहूंगा ये पानी की पाइपलाइन ये सिर्फ पाइपलाइन का प्रोजेक्ट नहीं है, ये तो इस क्षेत्र की पाइपलाइन नहीं लाइफलाइन है, लाइफलाइन है। भाई और बहनों, इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद बुंदेलखंड के हर जिले यानी झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट के करीब करीब हर गांव को पीने का पानी पाइपलाइन से मिलना आसान होने वाला है। इसी तरह झांसी शहर और आसपास के गांवों के लिए भी अमृत योजना के तहत केंद्र सरकार ने 600 करोड़ रुपयों की लागत से योजना बनाई है। बेतवा नदी के पानी से झांसी शहर के लोगों की प्यास तो बुझेगी, साथ ही आसपास के अनेक गांवों तक भी पीने का पानी पहुंच जाएगा। भाइयों और बहनों, ये तमाम प्रोजेक्ट वर्तमान की आवश्यकताओं को तो पूरा करेंगे ही, भविष्य की जरूरतों को भी पूरा करने वाले हैं। भाइयों और बहनों, पहाड़ी बांध परियोजना के आधुनिकीकरण से भी किसानों को बहुत लाभ मिलने वाला है। पहले इस बांध से किसानों के खेत तक उपयुक्त मात्रा में पानी पहुंचता नहीं था और गेट गिरने से तो लीकेज होती रहती थी। अब पानी की लीकेज बंद कर दी है,